हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? पर आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल में, संदीपा मुकेश ब्लॉग में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और आप सब लोगों को एक बात बताने के लिए मैं आई हूँ। आप लोगों काफ़ी दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो उसका कुछ रीज़न था, इस वजह से नहीं आ रहे थे। और आप लोगों को पता है कि मतलब एक चैनल बनाने में और फिर उसको करने में कितनी मेहनत लगती है, उसको यहाँ तक लाने में, जहाँ तक आज अपना चैनल है उसको यहाँ तक ही लाने में कितना मेहनत लगती है, कितना एफर्ट लगता है, कितना बहुत कुछ लगता है। ये जो यूट्यूबर है वो ही जान सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जान सकता कि इसको यहाँ तक लाने में कितनी मेहनत लगती है। हम लोग इतने लक्की भी नहीं है दूसरों के जैसे, जिनका चैनल आज बना और कल ग्रो हो गया। हम लोग ऐसे तो नहीं है, हम लोगों को यहाँ तक आने में बहुत मेहनत लगी। और जैसे आपको लगता है कि अपने चैनल को कुछ होने वाला है या कुछ हो जाएगा तो बहुत डर लगता है, टेंशन सा हो जाता है, तो बस मेरे को भी बिल्कुल टेंशन सा हो गया था। क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। मैं वीडियो डाल रही थी, वीडियो में कुछ भी नहीं था, मतलब आप लोगों को पता है कि मैं ऐसे वीडियो तो डालती नहीं हूँ, अच्छे ही वीडियो डालती हूँ, मतलब कुछ ऐसे जो आप समझ रहे हो अभी चल रहा है यूट्यूब पे ऐसा ही वीडियो। तो सब कुछ ठीक था, वीडियो में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। बस मैंने खाना बनाया और क्लीनिंग किचन गैस बर्तन वगैरह साफ कर, बस इतना ही वीडियो था मेरा। तो आप सोच सकते हो कि इसमें क्या गलत होगा, क्योंकि अपना ब्लॉग चैनल है, तो ब्लॉग चैनल का तो यही मतलब है कि आप अपने घर के काम, अपनी लाइफ दिखाओ, इसका मतलब होता है ब्लॉग चैनल। तो कुछ भी नहीं था, फिर मैंने वीडियो बनाया, डाला, सब कुछ करा, ना उसमें म्यूज़िक था, मतलब कोई सा सॉन्ग वगैरह था कि कॉफ़ी राइट आया, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन जब वीडियो डाला, कंप्लीट हो गया, फिर मैंने एड वगैरह लगाए, तो एड मेरे ना येल्लो आ रहे थे। तो आपको पता है कि येल्लो डॉलर आते हैं तो क्या होता है, उस येल्लो डॉलर का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो मैं पहले तो टेंशन में आ गई कि शायद वीडियो में कुछ होगा तो इसलिए येलो आ रहा है। तो मैंने फिर छोड़ दिया, उसको नहीं डाला, रख दिया कि उसको पहले हटा दिया, मैंने वीडियो हटा दिया, नहीं डाला। मैंने सोचा कि इसको डबल से मैं रिपीट करती हूँ, कुछ थोड़ा सा और काट दिया मैंने, मुझे जहाँ लग रहा था कि इसे काटना चाहिए वहाँ काट दिया मैंने, डबल से अपलोड करा, वापस वही प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार अपलोड करा, वापस वही प्रॉब्लम आ रही थी। मैं टेंशन में आ गई कि इतनी मेहनत से मैं यहाँ तक आई हूँ और मेरे चैनल को कुछ होता है तो आप समझ नहीं सकते ना, समझ ही सकते हो कि कितनी बड़ी बात होगी। तो फिर मैं टेंशन हो गया, मैंने रख दिया, मैंने कुछ नहीं करा। फिर नेक्स्ट डे मैंने दूसरा वीडियो डाला, पहले शॉर्ट डाला, बिल्कुल शॉर्ट डाला, जहाँ काटना था मैंने काट भी दिया उसे और फिर डबल से अप्लाई करा, लेकिन वही प्रॉब्लम बता रहा था। फिर मैंने शॉर्ट वीडियो डाला, शॉर्ट वीडियो मतलब 1 मिनट से कम वाला वीडियो डाला, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली। फिर ठीक है, मैं टेंशन में थी तो फिर मैंने वीडियो का सोचा ही नहीं कि डालना है अभी। फिर इसके बाद मैंने एक दूसरा वीडियो फिर डाला था, तो उसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो फिर मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सपन लगा कि नहीं चलो सब ठीक है, वो शायद कुछ होगा उसका, वही होगा शायद, वही यूट्यूब वाले जाने जो भी होगा। तो फिर मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप बहुत टेंशन में आ गई थी मैं यार। जितना भी है, भले ही छोटा सा चैनल है, लेकिन चैनल को यहाँ तक लाने में कितनी परेशानी हुई, कितनी प्रॉब्लम उठाई, आप सबको पता ही है, 2 साल की मेहनत है मेरी, तो मैं कैसे जाहिर जाने देती, मुझे बड़ा टेंशन हो गया था। पर ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, अब ठीक है, रेगुलर वीडियो डाली जाएंगी और सब कुछ ठीक है। और बस कोशिश, आप सबको भी यही बोलती हूँ कि बस यही कोशिश करो, जो ऐसे वैसे वीडियो डालते हैं ना डालो, जो है वो ही डालो, भगवान की दया रही, सब कुछ रहा तो भगवान अपने आप आपको वायरल कर देगा, लेकिन जब तक वो नहीं चाहेगा आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है वो, तो बस उसके ऊपर छोड़ दो, मेहनत करते रहो, जब जिसका लिखा है तब हो जाएगा। तो है ना, फिर मिलती हूँ मैं आपको कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, तो कल तक के लिए बाय। और आप लोगों के साथ यदि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको।